सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फेसबुक लॉकेट अकाउंट को कैसे ओपन करें। सो गाइस आप देख सकते हैं लाइव इस अकाउंट पे लर्न मोर का ऑप्शन आया हुआ था एंड उसके बाद में अपन ने लर्न मोर हटाया तो कंफर्म योर एंट्री वाला ऑप्शन आया और आप लाइव देख सकते हैं इस अकाउंट को। मैं आपको लाइव ओपन करके दिखाऊँगा गेट ए कोड बाई ईमेल वाले ऑप्शन से। सो लाइव आप देख सकते हैं मिस्टर रवि करके वही अकाउंट है, गेट स्टार्टेड किया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अप्लाई देख सकते हैं गेट ए कोड बाय ईमेल वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। ये ऑप्शन मैं कैसे लेके आया, कैसे इस अकाउंट को ओपन किया, क्या क्या मैंने स्टेप इसके ऊपर की, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइस अपन ने कोड मंगा लिया, कोड पुट करने के बाद में अपन कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने में थोड़ा लोडिंग लेगा क्योंकि कंफर्म इसलिए लोडिंग लेता है क्योंकि अकाउंट जो है ना अपना लोकेट होता है। सो अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ना सोचे कि कंफर्म होने के में टाइम ले रहा है या लोडिंग ले रहा है तो इसको ऐसे ही जाने। सो अपन को थोड़ा सा सब्र रखना है। सो अपन जैसे ही वेट करते हैं थोड़ा कंफर्म ये लोडिंग पूरी होने में, शायद मेरा नेट इशू है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लोडिंग ले रहा है, नहीं तो जस्ट नो पे हो जाता है। सो अपन ने कंफर्म किया, अप्लाई देख सकते हैं ये अकाउंट मैं आपको लाइव ओपन करके दिखाऊंगा। मैंने जो जो प्रोसेस इस अकाउंट पे की है वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। पहले इसमें लर्न मोर का ऑप्शन था, लर्न मोर से अपन रियल गेट स्टार्टेड लेके आए एंड उसके बाद अपन इस पे गेट ए कोड बाय ईमेल वाला ऑप्शन लेके आए। सो गाइस वीडियो कम्प्लीटली वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मैं लाइव आपके सामने ये अकाउंट देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे अनलॉक योर अकाउंट, आपका अकाउंट कन्फर्म हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के ओपन आएगा। जैसे अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने लाइव दिखा देंगे आपके अकाउंट में जो जो ईमेल और नंबर ऐड है। आप जो चाहो तो रिमूव कर सकते हैं, मैं नंबर इसमें से रिमूव किया, नंबर अपन ने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में अपन कंफर्म करेंगे, कंफर्म अपन जैसे ही करते हैं अपन से एक न्यू पासवर्ड मांगेगा तो अपन न्यू पासवर्ड क्रिएट करते हैं। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप लाइव देख सकते हैं यू वी अनलॉक योर अकाउंट। तो आपके सामने ये अकाउंट लाइव ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। सो अपन बैक, अपन रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी ना करते हुए बैक टू फेसबुक करेंगे। बैक टू फेसबुक करते ही आप लाइव देख सकते हैं ये वही अकाउंट है और 2009 का अकाउंट था, लाइव आपके सामने ओपन हो चुका है। सो गाइज इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मैंने इस अकाउंट पे क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप यूज़ की। सो गाइज अभी मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा। सो गाइस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो आपको अगर पर्सनली मुझसे अपना अकाउंट लॉकेट ओपन कराना है सो मेरी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप चाहो तो मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, कॉन्टैक्ट कर लेना या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। सो गाइस अपन फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप लाइव देख सकते हैं वही अकाउंट है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन इसके ऊपर आया हुआ है। सो अपन एक न्यू टैब ओपन करेंगे, फेसबुक फीडबैक अबाउट में अपन जैसे ही सर्च करेंगे सो अपन के सामने बहुत सारे इंटरफेस खुल के आ गए। अपन फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, अदर पे क्लिक करेंगे। अदर अपन जैसे ही क्लिक करते हैं, अपन अदर सेलेक्ट करने के बाद में अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, अपनी एक अपील तैयार करेंगे। वो मैं अपील आप चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहो तो आप खुद से लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट लिंक सबमिट कर दिया, आपके सामने लाइव सबमिट हो चुका है। मैं सेकेंड लिंक आपके सामने सबमिट करूँगा। अपन नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, गिव ए फीडबैक, तो फीडबैक देंगे अपन हेल्प सेंटर को। हेल्प सेंटर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए इसके जरिए अपन को फेसबुक को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। सो अपन सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद में अपन सेकंड वाला थर्ड वाला लिंक ट्राई करेंगे। थर्ड वाला भी इसी तरह से इसके नीचे ही थर्ड नंबर वाला लिंक अपन यूअर फीडबैक अबाउट प्रोफाइल कनेक्शन वाला सब्जेक्ट में यूअर फेसबुक अकाउंट इज हैज़ बीन लॉकेड लिखेंगे और अपनी अपील सबमिट कर देंगे, अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, अपनी आईडी की इन्फॉर्मेशन वगैरह सभी यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में अपन इसको भी सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद में आपको 48 से 72 घंटे का वेट करना है और इस बीच में कभी भी आपको आईडी लॉगिन नहीं करनी है। 48 या 72 घंटे के बाद में आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो 80% आपकी आईडी पे ये चांस होता है गेट ए कोड बाय ईमेल वाला ऑप्शन या गेट ए फोन नंबर वाला ऑप्शन या डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन कोई भी नंबर चेंज हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।